क्या हुआ बेटी? क्या हुआ आशु? कुसुम भी रोती हुई गई यहां से? पापा, मैं बाप फौरन चले आई है। सरिता, क्या बात है? बाबा चले आई है बस। लेकिन आखिर बताओ तो सही, क्या हुआ है? पापा, ये सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है। अच्छा अच्छा, फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ बेटी? सरिता, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? आखिर हमें भी तो मालूम पड़े कि हुआ क्या है। ये अपने बेटे से पूछ लीजिए। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? ये हुआ है, इन्होंने आज मुझे थप्पड़ मारा। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। देखो बेटी, जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और हम ये भी समझते हैं कि इस समय तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। आशु को अपनी गलती का एहसास करना पड़ेगा। जिसके दिल से रिश्तों का एहसास ही मिट गया हो, उसे अब क्या एहसास दिलाएंगे? ऐसा नहीं कहते बेटा, पति का घर ही पत्नी के लिए स्वर्ग होता है। स्वर्ग, जिसे आप स्वर्ग कह रही हैं, वो मेरे लिए नर्क से कम नहीं है। स्वर्ग, माय फुट। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आशु, तू बहू को रोकता क्यों नहीं है? माँ, अगर उसने यहाँ से जाने का फैसला कर ही लिया तो उसे जाने दीजिए। लेकिन बात क्या हुई है? मैंने कहा ना, उसने कुछ बताया नहीं है। जरूर सरिता ने ही कुछ किया होगा। तुम तो हमेशा सरिता को दोषी ठहराती हो, वो लोग तो जैसे। अब जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है सरिता को। तो मैं भी साथ चलती हूँ। तुम्हारे चलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम फिलहाल यहीं रुको। लेकिन मेरे साथ चलने से क्या इतराज है? देखो, ये बहस करने का वक्त नहीं है, तुम मेरे फोन का इंतजार करना। सुनिए, आप अपने गुस्से पर काबू रखना सीखिए। हम लड़की वाले हैं, रिश्ते की सीमा में रहना ही हमारी गरिमा है। अभी प्लीज चुप हो जाइए। देखिए, ऐसी हालत में रोना आपका ठीक नहीं है। देखो बेटी, रिश्ते की सीमा को पार कर जाना एक दरार को जन्म देता है, और वो दरार अपना एहसास जिंदगी भर कराती है। मैं एक अनवांटेड मेंबर की तरह इस फैमिली में नहीं रह सकती। अब यही तुम्हारा घर है बेटी, यही तुम्हारा घर है। कमला तुम्हारी माँ की तरह है, मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं। अगर आशु ने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की थी तो तुम्हें सबसे पहले कमला को या मुझे बताना चाहिए था। तुमने खामखा अमरनाथ जी को परेशान कर दिया, वो न जाने क्या सोचते होंगे। सरिता के साथ ऐसा कौन सा हादसा हो गया कि उसने मुझे इस तरह फौरन बुलाया है? कहीं उसकी मासूम जिंदगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हॉस्पिटल नहीं, उसके घर जा रहा हूं। सरिता, देखो बेटा, हमने तुम्हें हमेशा अपनी बहू नहीं बेटी समझा है। न जाने हमारे प्यार में क्या कमी रह गई जो तुमने हमसे कहे बगैर ही जाने का फैसला कर लिया। मुझे आपसे और पापा जी से कोई शिकायत नहीं है माँ जी। सरिता, सरिता, आई आई अमना जी, नमस्कार। आई अंदर आई। मैम किशोर जी, क्या बात है? सरिता का फोन आया था, कहाँ है वो? सरिता अपने कमरे में है। लेकिन सरिता फोन पर रो रही थी, बात क्या है? दरअसल आजकल के बच्चे छोटी छोटी बात को बढ़ा देते हैं। शादीशुदा जिंदगी का मतलब उनकी समझ में काफी देर के बाद आता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सरिता ने मुझे फोन पर अभी और इसी वक्त आने को बोला? वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि रसोई में दो बर्तन होते हैं तो आपस में टकरा ही जाते हैं। मैं बेजान चीजों की बात नहीं कर रहा रामकिशोर जी, मैं सरिता के बारे में पूछ रहा हूँ। भाई साहब, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना। नहीं, पहले आप सरिता को बुलाइए। वो क्या है भाई साहब की गलती तो बच्चों से हो ही जाती है, हम बड़ों को समझदारी से काम लेना चाहिए। आप सरिता को पहले बुलाएंगी? हाँ, हाँ। कमला, सरिता को बुला कर लेगा और नम्रता से चाय के लिए बोल देना। अच्छा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए अमरनाथ जी, मैंने सरिता को पहले ही कहा था कि अगर कोई बात हो जाए तो वो सबसे पहले मुझे कहे, आखिर मैं भी तो पिता के समान हूँ कि नहीं।
लेकिन उसने मुझसे कुछ कहने के बजाय आपको फोन कर दिया। इसमें क्या गलती की उसने? कोई गलती की उसने? सरिता, सरिता, पापा, सरिता, पापा, पापा, क्या हो गया बेटी? क्या हुआ? पापा, पापा, आशुतोष ने मुझे तुम फोन मारा। ये सब क्या है राम? अमरनाथ जी, ऐसा है कि मेरी बेटी के गाल पर पड़े निशान उस पर हुए जुल्म की कहानी खुद ब खुद बता रहे हैं। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ राम किशोर, कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया था कि उसको ऐसा तोहफा दिया गया? इसीलिए ब्याह करके लाए थे इस घर में। अमरनाथ जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरी समझ में सब कुछ आ गया है राम किशोर, मुझे और समझाने की जरूरत नहीं है। आप गुस्से में नहीं समझ पाएंगे, आशुतोष से गलती हुई है। आशुतोष, आप हट जाइए, मुझे बाहर जाने दीजिए। मैं नहीं हटूंगी, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। भाभी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है। आशुतोष, तुम बाहर नहीं जा सकते। उसने मारने से पहले ये नहीं सोचा कि क्या गुजरेगी उस माँ पर जिसकी कोख में उसी का मासूम बच्चा पल रहा है? मेरी बेटी को थप्पड़ मारकर उसने अपनी हैवानियत का सबूत दिया है, ऐसा सबूत जिसे देखकर जानवर भी शर्मिंदा हो जाए। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है अमरनाथ जी। बात अफसोस की नहीं है, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी बेगैरत औलाद को जो मुंह छुपाए अंदर बैठा हुआ है। औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता है, बुज़दिल होता है, बुज़दिल। देखिए वो मेरे पापा से क्या क्या कह रहे हैं। प्लीज अब चाहिए मुझे बाहर जाने दीजिए, मैं उनसे हकीकत कहना चाहता हूँ। भाभी जी, तुम बाहर नहीं जाओगे, इस वक्त तुम बाहर नहीं जाओगे। हट जाओ भाभी जी, मुझे जाने दो। तुम्हें तुम्हारी भाभी की कसम अगर तुम बाहर गए तो। मैं जा रहा हूँ राम किशोर, मगर इतना याद रखूंगा कि ये थप्पड़ मेरी बेटी के गाल पर नहीं, मेरी इज्जत पर मारा गया है, इतना जरूर याद रखूंगा। चल बेटी, तेरे बाप की छत इतनी छोटी नहीं है कि अपनी बेटी को रख ना सके। अमरनाथ जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपके आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात। भाई साहब, हमें एक मौका दीजिए। भाभी प्लीज रुकिए, हमारी बात तो सुनिए, मां रोको ना उन्हें। सरिता, भाभी, अब तो तुम खुश हो गए होगे, तुम्हें चैन मिल गया होगा, है ना? आज तुम्हारी वजह से अमरनाथ जी हमें चार बातें सुनाकर चले गए। पापा, वो तो भाभी ने मुझे रोक लिया था, वरना उनके हर एक सवाल का जवाब मैं अभी इसी वक्त दे देता। सवाल तो तुम पहले ही उठा चुके थे, जिसका जवाब वो हमें देकर जा चुके हैं। अगर तुमने सरिता के साथ इतना घटिया सलूक नहीं किया होता तो उनके हर सवाल का जवाब मैं उसी वक्त दे देता। पापा, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, सरिता ने मेरे और भाभी के ऊपर घिनौने शब्दों का कीचड़ उछाला है जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो तुमने किया वो एक औरत पर हाथ उठाना शोभा देता है तुम्हें? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? सरिता ने एक पवित्र रिश्ते को गाली दी है, गाली। उसने भाभी के उदास मन को ठेस पहुंचाई है। अरे मैं पूछता हूं कि अगर आज भैया जिंदा होते तो क्या किसी में हिम्मत होती भाभी में ऐसे खिलौने शब्दों के इल्जाम लगाने के लिए? लेकिन आज भैया नहीं है ना तो सब। राम, तुम लोग इस वक्त यहाँ क्यों खड़े हो? बीजी, बीजी, आशुतोष भैया ने सरिता भाभी पे हाथ उठाया। सरिता भाभी पे हाथ उठाया? अरे तुम लोग इस घर को, इस घर की शांति को मिटाने पर क्यों तुले हुए हो? क्यों आशु ने हाथ उठाया? क्यों? क्योंकि बीजी, सरिता आशु और कुसुम के रिश्ते को समझ नहीं पा रही थी। चल बेटी, मेरे साथ चल। आशु,
कम से कम तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि सरिता तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। आज तुमने उसके साथ ऐसे पेश आकर उस संस्कार को गाली दी है जो हमने तुम्हें घुट्टी में पिलाया था। अच्छा नहीं किया। आखिर इस घर में ये सब क्या हो रहा है? इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे आके किसी ने बताया तक नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बड़ी भाभी को लेकर छोटी भाभी ने भैया से काफी अपशब्द कहे, लेकिन उन्होंने कभी। तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, उससे पहले ब्याह कर इस घर में आई हो। तुम इस घर की हर बात से अच्छी तरह से वाकिफ हो, फिर तुमने क्यों नहीं संभाल लिया? लेकिन उस वक्त भाभी वहां पर नहीं थी। लेकिन जो कुछ हुआ उसका संबंध तो तुझसे है। पीछे मैंने सरिता को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों का गलत मतलब निकाला। लेकिन आज जो कुछ हुआ क्या वो ठीक था? नहीं, आशुतोष ने बहुत गलत किया। बात आशुतोष की नहीं है, गलती तुम्हारी भी है। अगर तुमने अपने रिश्तों में फासला रखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। पीजी, पीजी, जब ये कच्चा धागा कलाई पर बन जाता है तो फासलों का सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ, मैं मानती हूं भगवान ने मुझे ये रिश्ता शुरू से तो नहीं दिया था, लेकिन आशुतोष को पाकर मुझे ऐसा लगा कि एक भाई का जन्म उस धागे की कोक से हुआ है जो मैंने उसकी कलाई पर बांधा रखा है। आज आज पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बनाए हुए रिश्ते कितनी आसानी से सवालों के दायरे में आ सकते। मत रो बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने आज तेरी बेटी के आंसू नहीं बल्कि उसके अरमानों का खून बहाया है। तुझे अपनी बेटी के आंसुओं का बदला लेना होगा। तुझे उनको ये दिखाना होगा कि अमरनाथ की हैसियत क्या है और उनकी औकात क्या। इतनी देर यहां क्यों नहीं आए? सरिता ने जरूर कुछ किया होगा। बाप का मंडी और बेटी जिद्दी। सरिता, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उन हैवानों के घर अपनी बेटी का रिश्ता मत करो। तूने ऐसा क्या किया था? दुनिया में तुम अकेली ऐसी अजीब माँ हो जिसको सारी गलतियां अपनी औलाद में नजर आती है। आखिर रिश्ते में तो कुछ किया होगा। किया इसने नहीं है, उन्होंने किया है। बड़े संस्कारों वाला घर कहती थी ना तुम, देख लो उनके संस्कारों का नमूना जो उन्होंने हमारी बेटी के गाल पर जड़ा है। ये देखो, जा बेटी तो अंदर जा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये रिश्ता हमारी बेटी के लायक नहीं है, लेकिन तब तुम्हारी आंखों पर संस्कारों का चश्मा चढ़ा हुआ था। अब मैं दिखाता हूं कि अमरनाथ जब दुश्मनी पर उतर आता है तो उसकी हर बात में जहर होता है। हर रिश्ते को जहरीली नजर से नहीं देखा जाता, और यहाँ सवाल दोस्ती और दुश्मनी का नहीं, एक बेटी का है, उसके रिश्ते का है। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी बेटी को उनके वहां वापस भेज दूं ताकि मेरी जिंदगी में वो मेरे खून को जलाते रहे और मैं खड़ा देखता रहूं? हरगिज नहीं होगा।
तो कि सरिता को अपने घर में बिठा के रखोगे? बेटी का घर उसका मायका नहीं, ससुराल होता है। मायके से बोली जाती जरूर है, लेकिन वापस नहीं आती। जिंदगी गुजारने के लिए रिश्तों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दौलत की जरूरत होती है। और मेरे पास इतनी दौलत है कि 7 पुश्तों तक कम नहीं पड़ेगी। पति पत्नी के रिश्ते को दौलत के तराजू में नहीं तोला जाता, बल्कि प्रेम में तोला जाता है। और उसी बात की कमी है हमारी बेटी के जीवन में। हमें अपनी बेटी को ऐसा पाठ सिखाना चाहिए कि वो अपना जीवन अपने सुहाग के साथ खुश होकर गुजारे, ना कि दुख और दर्द की यादों के साथ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? गुड मॉर्निंग भाभी। भाभी? आशुतोष, तुम मेरे कमरे में मत आया करो। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कल रात भी आप दूध लेकर नहीं आई और आज सुबह से मुझे चाय तक नहीं पिलाई। अब से तुम्हारे जो भी काम है तुम या तो खुद कर लिया करो या फिर नम्रता को कह देना। भाभी 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 सुनो तो सही। भाभी भाभी क्या मैं इस बदलाव का कारण जान सकता हूँ? आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है आशुतोष। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सरिता को समझाने का यही एक तरीका था? वो भी एक ऐसे मौके पे जब वो तुम्हारे घर में एक नई खुशी लाने वाली है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। माँ भाभी क्या बात है, आज सब मेरे के पे उंगली उठा रहे हैं और उसके के को नजरअंदाज कर रहे हैं। भाभी मैं उसका पति हूँ, कोई गुलाम नहीं कि उसके मन में जो चाहे वो कहती रहे और मैं सुनता जाऊं। उसने जो कुछ भी कहा उसका बस यही जवाब था। ये तुम्हारी एक तरफा सोच है, एक ऐसी सोच जिसने तुम्हारे और सरिता के रिश्ते में एक दरार पैदा की है। आशुतोष तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखना पड़ेगा, वरना वरना क्या भाभी? हाँ कह डालिए, आज आप भी अपने मन में कोई बात न रखे। कल से सब कहते जा रहे और मैं सुनता जा रहा हूं। मुझे तो ऐसे लगने लगा जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और सरिता ने पुण्य। और जहां रही एक तरफा सोच की बात, ये सब कुछ जो हो रहा है ना वो सरिता की एक तरफा सोच की वजह से हो रहा है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करता कि वो जिंदगी भर याद रखती। वाह, जो कुछ तुमने कल रात किया वो काफी था हम सबको याद रखने के लिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम समझते क्यों नहीं आशुतोष, तुम्हारी ये एक गलती न जाने कितनी बातों को जन्म देगी। आशुतोष और सरिता के बीच में आज जो कुछ हुआ उसमें सारा कसूर तेरा है। मैंने ऐसा क्या किया है? ये सारा किया धरा तेरा ही तो है। आज तेरे कारण सरिता घर छोड़कर चली गई। मेरे कारण सरिता घर छोड़कर नहीं गई। तू हर वक्त आशुतोष की आवभगत में क्यों लगी रहती थी? उससे हंस हंस के बातें क्यों करती थी? तू ये भूल गई थी कि वो तेरा पति नहीं तेरा देवर है? मैं कभी नहीं भूली कि वो मेरा देवर है, बल्कि देवर ही क्या मेरा भाई है। मैं तो हमेशा ये चाहती हूँ कि आशुतोष और सरिता का प्यार हमेशा बना रहे, उनकी दूरियां मुझसे खुद बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन उनकी दूरियों का कारण आज तू ही है। तू विधवा है, वो सुहागन है। विधवा तेरा भाग्य है, सुहागन उसका। सिर्फ तेरे कारण आज सरिता अपने पति से दूर है। सरिता ने तेरे कारण थप्पड़ खाया, सरिता तेरे कारण घर छोड़कर चली गई। इस सब की जिम्मेदार तू है, सिर्फ तू। हाँ, जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। अगर मेरे कारण सरिता घर छोड़ के गई है तो उसे वापस मैं जरूर लाऊंगी। मैं उसके घर जाऊंगी और उसे वापस लाऊंगी।